गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू कॉन्टोर योर फेस। आपको अपने फेस को कैसे कॉन्टोर करना है, बिगनर्स हैं, अभी अभी आप लोगों ने मेकअप स्टार्ट किया है एंड आपका फेस बहुत ही ज्यादा चबी है तो आप उसको थोड़ा स्लिम दिखा सकते हैं कॉन्टोरिंग से। कॉन्टोरिंग स्टिक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप आई शेडो पैलेट में से भी कोई भी ब्राउन शेड उठा के कॉन्टोर कर सकते हैं इजिली, जैसे मैंने किया है। मैंने आई शेडो पैलेट से इसलिए किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आई शेडो पैलेट से आपको कैसे करना है, कौन सा कलर आपको पिक करना है। मैं आगे वीडियो में हर चीज़ बताने वाली हूँ आपको। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी, तो चले वीडियो में मूव ऑन करते हैं। चले फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग अपना कॉन्टोरिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक कॉन्टोरिंग ब्रश एंड उसके बाद चाहिए होगा आपको एक आई शेडो पैलेट। उसमें से आपको ब्राउन कलर लेना है, ऐसा शेड लेना है आपको, लाइट एंड डार्क दोनों को मिक्स करके आपको लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर, एक मिरर एंड दो ब्रशेस, एक ब्लेंडिंग ब्रश एंड एक आई शेडो वाला ब्रश मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर मैं अपना कॉन्टोरिंग स्टार्ट करती हूँ। सो आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस को बनाना है, पाउट बनाना है एंड उसके बाद आपको अपने चिक बोन पे, अपने चिक्स पे नहीं, चिक्स के नीचे जो आपका चिक बोन होता है उसमें आपको इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको कलर प्लेस करना है एंड धीरे धीरे उसको ब्लेंड करना है। आपको नीचे भी नहीं आना है, आपको उसी डायरेक्शन में ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, आपको उसी डायरेक्शन में अच्छे से कलर को ब्लेंड करना है। आप यहाँ पर कॉन्टोरिंग स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे आसानी से कोई भी डार्क ब्राउन शेड जो है उसको लेके ब्लेंड कर सकते हैं एंड अपना कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कलर है उसको अच्छे से प्लेस कर दिया है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले वहाँ पर मैंने कॉन्टोरिंग ब्रश से मैं ब्लेंडिंग कर रही थी। उसके बाद जब मैंने ब्लेंडिंग कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। ब्यूटी ब्लेंडर से आपको मैं इसलिए ब्लेंड करने के लिए बोल रही हूँ, आप मेरे फेस पर डिफरेंस देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने को बोल रही हूँ। क्योंकि जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो आपके फेस पे जो एक्सेस पाउडर रहेगा, एक्सेस कॉन्टोर का आपका प्रोडक्ट रहेगा तो वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर जो होगा वो सोक कर लेगा एंड आपको उतनी ही फिनिश मिलेगी जितनी आपको नीड है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने साइड नोज को कॉन्टोर कर रही हूँ, उसको भी मैं थोड़ा स्लिम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने आई शेडो ब्रश आपको दिखाया था उसे लेना है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे मिक्स कर देना है। ज़्यादा जो कलर होगा, जो डार्क शेड होगा उसको आप पिक ना करें, साइड नोज़ के लिए आप लाइट ही शेड को पिक करें एंड उसको अच्छे से आप ब्लेंड कर दें एंड बीच वाला जो पोर्शन है उसमें हाइलाइटर लगाएं तो आपका जो नोज़ होगा वो बिल्कुल ही स्लिम दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे साइड का अपना चेक बोन जो है उसको कॉन्टोर कर रही हूँ, उसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से आपको करना है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये कितना ज़्यादा ईजी है कॉन्टोरिंग करना, कोई बिल्कुल हार्ड चीज़ नहीं है, आप ईजिली कॉन्टोर कर सकते हैं। मुझे भी पहले नहीं आता था लेकिन अब मुझे भी आता है। उसके बाद मैं सेम ही प्रोसेस से ब्यूटी ब्लेंडर से उधर से भी ब्लेंड कर लूँगी ताकि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर ले एंड मुझे उतनी ही फिनिश दे जितनी मुझे नीड है एक कॉन्टोरिंग में। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने जॉ लाइन को भी थोड़ा सा स्लिम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर भी अपना कॉन्टोरिंग पाउडर लगा ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन को दोनों को मिक्स करके लगाया है। आप भी ऐसा करें ताकि आपके फेस पे ज़्यादा एक्सेस भी ना लगे एंड बिल्कुल परफेक्ट कॉन्टोरिंग हो। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होगी। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी मेकअप स्टार्ट किया है, जिनका फेस चबी है, वो इजीली अपने फेस को स्लिम कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।